इतना बढ़िया वीडियो बनाओ यार। देखिए देखिए स्टाइल हो। आप जब सुबह लेट उठते हो तो आपको खाने में क्या मिलता है? चप्पल। एक्चुअली गाइस टुडे वी हैव टू गो टू अ डॉक्टर। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। शायद आ गए हैं पापा जी, नहीं तो मेरे को दूसरी गाड़ी लेके जाने पड़ती। आनू को टी शर्ट इधर छोड़ दिया मैंने यार, अभी मेरे को कोई ताना मार देता कि तूने इधर टी शर्ट पहना, टी शर्ट छोड़ दिया। अरे बालू पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़ जाएगी ना फिर आ जाएंगे। क्या हो गया? बच्चों से खेलना है। ये तो ली यार, ये रही तुम्हारी बोतल। गाड़ी गंदी हो रखी है, वैसे साफ भी करने का चाहिए था हमें, क्योंकि कल रात को जबरदस्त बारिश आ रही बाबा। अभी निकलते हैं गाइस हम लोग डॉक्टर के पास और मिल के आते हैं डॉक्टर साहिबा क्या कह रही है। ये चीज मैं बोल लूं कभी ना तो भाई साहब मेरे से तो चढ़ जाते हैं लोग। बोलने की बात होती है, करने की तो मैं तो ऐसे बोल रहे हैं अभी गलत है रे बाबा। अरे करने की बजाय फील करके गोलू के कोचिंग सेंटर वालों ने गोलू का पौना घंटा खराब कर दिया आज, इसी चक्कर में गोलू ये बोल रहा है। अरे तो यार उनको कुछ टेक्निकल ग्लिच था ना, इसीलिए तो दिक्कत था ना बाबा। तो फिर ऐसे थोड़ी होता है, पहले बिना टेक्निकल ग्लिच के डेली तो क्लासेस तो ले ही रहे थे ना एक हफ्ते से। भाई साहब उनको पता नहीं है झांसी की रानी है औरत, ये सच में कर सकती है ये। वो अलग बात है, इसके आजकल इसके सर में दर्द, बदन में दर्द, सब कुछ दर्द रहता है, वो अलग बात है, लेकिन ये मार तोड़ फोड़ सकती है भाई। 11 बजे तक हम लोग जनरली पहुंच जाते हैं गोलू, और आज 11:08 हो चुके और हम लोग यहीं पे अभी तक। पहला तो नहीं कर, तीसरा चौथा आ जाता है। नहीं, कई बार जब हमारा तीसरा चौथा भी आता है ना तो पहले नंबर, तो पहला वो घुस जाते हैं हम लोग, वो अलग बात। घुस नहीं जाते, कोई आता ही नहीं है। अरे वो घुसने का ही होता है, घुसते नहीं है, घुसते हम लोग, कोई आता नहीं है, तो हम जाते हैं। फिर पीएनजी बिल्कुल खाली थी गाड़ी में, तो रास्ते में पंप था, हमने सोचा कि एक बार चल देख लेते, ट्राई मार के अगर यहाँ पे हो जाएगा भर जाएगा, ज्यादा भीड़ भीड़ नहीं होगी। गोलू के जबरदस्त लॉजिकल क्वेश्चंस। पेट्रोल, हम लोग सीएनजी पंप पे खड़े और गोलू कह रहे हैं पेट्रोल डलवा रहा होगा। बोत भी तो होते हैं ना क्या? बोत, अरे बोत वो होते हैं, लेकिन ये सीएनजी पंप है ना, मैंने बोला तो था ये सीएनजी पंप है। क्या पल्ले पड़ गया यार। पल्ले पड़ा नहीं, पल्ले पड़वाया गया है। मेरे हेयर कटिंग खराब मत कर। अरे इतनी पागल है क्या, लोग मरते हैं इस हेयर कटिंग पे बाबा। डॉक्टर विजिट हो गई है कंप्लीट और सब कुछ और रुक के चल रहा है, लेकिन चक्कर क्या है ना, अभी इतना लेट हो गए हम लोग। गोलू साइड वाले उसमें ना एक बंदी मतलब वो खा रही है, वो ना मतलब कुछ पी रही है, मतलब लस्सी वस्सी टाइप, और मेरे को उसको देख के भी ऐसी जलन सी फील हो रही है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ यार। भूख 1 बज गया यार, हम लोग 12:30 खाने वाले, हाँ लेट हो गया आज लोग। हम अब रास्ते में ही देखते हैं कहीं हल्दीराम या जो भी मिलेगा रे बाबा वहीं चले जाएंगे आज तो, कुछ खाने का पक सबसे बड़ी बात है, कुछ खा लो पहले। ये अपने पापड़ वाले राजमा चावल खा ले, गरीबों वाली बात, गरीबों वाली बात, हल्दीराम में अभी आगे तो राजमा चावल खा लिया, रेडी पे खिला देता 20 रुपए के भाई, 20 रुपए के राजमा चावल, 20 रुपए के। और उस दिन अच्छे खिलाए थे मैंने तुझे, बहुत अच्छे राजमा छोले चावल, कितने राजमा चावल, जब हम कोविड से वापस आए थे एक बार, और लिटरली इतने अच्छे थे ना वो, तो कितने थे 20 या 30 रुपए के थे बस, अरे इतने के ही थे भाई। और अभी यहाँ पे 200 रुपए का चावल खा रही है, और वो भी ये पापड़ वाले, इतने से डब्बे में हो, इतना भरा हुआ था वो। खाना ज्यादा जरूरी है इस समय, बड़ा मॉल है, वीराना पड़ा हुआ है, गोलू वीराना, पीछे लिखा हुआ रॉयल पेपर, दिस इज द बैंकेट हॉल जो कि गानों के बर्थडे के लिए बुक किया गया है, बट डी मॉल वाला 20 रुपए की प्लेट वाली चीज 200 रुपए में खाया, और वो भी टेस्टलेस, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं चलता बंदी खा रही है पूरी खा रही है, लास्ट में मैंने सोचा मैं चल यार ये 2 बाइट मेरे को भी दिखा दे, मैं भी चेक कर लेता हूँ। खा के देखा वो ऐसा, क्या क्या टेस्ट था यार, क्या टेस्ट था,
क्या खाया तुम? बिल्कुल अच्छा नहीं, वाली बात नहीं, अच्छा था। मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा भाई, बिल्कुल कतई अच्छा लगा भाई। राजमा चावल का क्या अच्छा है? अच्छे होते हैं राजमा चावल, नाम ही राजमा चावल होते हैं। मेरे पेट पे क्यों बैठा है? वो बना दो। कौन से वाले बना दो? बिल्कुल ऐसे करके। सो गाइज, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है और काफी दिनों से हम लोग सोच रहे थे बताने की। इनफैक्ट मैं तो गोलू को बोल रहा हूँ पिछले चार वीक से जो भी वीडियो आ रही है हर हफ्ते कि यार बता देते हैं, बट गोलू जो है आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, तो बिल्कुल सच बात है ये, कतई सच बात है ये। तो गोलू इज प्रेगनेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, और कितनी खुशी की बात है। स्टार्टिंग में पता चला बाबा इतनी एक्साइटमेंट आई थी, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते। बट आप लोगों के लिए स्पेशली हम लोगों ने क्या है, थोड़ा थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, बट वो इसीलिए किया था जब भी हम लोग आई नो रिवील करेंगे बताने के लिए, तो अपन आप लोग को दिखाएंगे। बिल्कुल बिगनिंग से कराया हमने, बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं किया है। लाइक क्या था ज्यादा, क्या लाइक कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा थे लाइक बिगनिंग में, तो इतना हम शूट भी नहीं कर पाए, थोड़ा सा दिक्कत रहती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ी सी। आई थिंक मुझे लगता है सबके साथ ही दिक्कत होती है, बट ये कि जो फर्स्ट वीडियो थी जब हम लोग को ये था ना कि अभी कल गोलू को टेस्ट करने का है, हम लोगों ने अलार्म बना था सुबह के लिए, अभी आ रहा है। गोलू ने सारा रिसर्च किया भाई गूगल पे, और कह रही है कि मतलब सुबह उठते ही टेस्ट करना होता है, वो ज्यादा बेटर होता है उसमें, मतलब यू नो कहते हैं फिर पता ना जो भी होता है, मतलब SCG वगैरह वो परफेक्ट मतलब एक तरीके से आता है उसमें, तो वो गोलू वो बोल रहे थे कि सुबह उठते करेंगे। चल ठीक है भाई, बंदी ने अलार्म भरा, अब मैं भी यार तू मेरा भी अलार्म भर दिया, मेरे को ऑफिस जाना है, लेकिन मैं उठूंगा जल्दी उठेंगे और अपन टेस्ट वेस्ट देखेंगे। 6:30 हुए और मैं इसलिए उठ गया हूँ बिकॉज आप लोग के साथ कुछ शेयर करना है, लेकिन अभी ये वीडियो एक्चुअली अभी हम दिखा नहीं पाएंगे, ये इन द फ्यूचर के लिए है कि हम लोग सोच रहे थे कि इसको हर चीज़ को अपने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को पीछे कई दिन से परेशानी हो रही थी एंड उसको जो रेगुलर डेट्स आती हैं उसकी वो मिस हो गई हैं। इतनी रिसर्च की है इस बारे में, पूरी डॉक्टर हो चुकी है वो, तो वो कह रहे थे कि आज उसको टेस्ट करने का था कि जिससे उसको पता चले कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। अभी इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता है, द फर्स्ट मोमेंट को जो भी हम लोग फील करते हैं, अगर क्या पता इन केस फिंगर क्रॉस्ड अगर सब कुछ सही रहा। इतनी फास्ट हो गया, सिंगल लाइन है। अरे इतनी जल्दी नहीं आती, सी सिंगल लाइन है बोल। अरे इतनी जल्दी नहीं आती, पानी डालते तो सही। फर्स्ट हमारा अटेम्प्ट था जिसमें हमने ट्राई किया था कि पता चले, बट उसमें क्लियर हुआ नहीं था। ब्रेक लिया कि 2-3 दिन बाद फिर से टेस्ट करेंगे, 2-3 दिन बाद फिर से हमने टेस्ट किया, बट सिनेरियो सेम था। फिर भी तो कुछ क्लियर, जो 2 दिन के बाद दोबारा टेस्ट किया ना उसकी वीडियो भी बनाई छोटी सी हम लोग, वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा। बच्चे अगर मतलब हमारा इनकेस फ्यूचर भगवान चाहे तो हो गया था, तो उसको बताना पड़ेगा ना ये वीडियो देख के कि देख बेटा तेरे पापा की आंखें भी नहीं खुल रही थी और फिर भी हम लोग फिर चक्कर में क्या क्या कर रहे थे। वो भी आ रही है धीरे धीरे। अच्छा लाइन इज देयर, कैमरे में भी दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम जो वो लिया था तूने, ये रेना लास्ट टाइम, इसमें उससे तो बेटर इसी में है, दिखाना कैमरे में दिखाई दे। देख ऑब्वियसली ये है कि उसमें भी कुछ साफ हुआ नहीं, लाइक ओके ओके था कि सेम सही था, या तो हमने में भी अर्ली टेस्ट कर लिया था या पता नहीं जो यार पता नहीं होता ना, एक तो थोड़ा सा हाँ, होता है कि लाइक बाद फिर वो टेस्ट किया उसके बाद हमें लगा कि अब हमें डॉक्टर के जाना ही चाहिए लाइक जब एक्चुअली मतलब क्लियर करो ना यार, नहीं तो मतलब दिमाग में भी स्ट्रेस रहता है कि 4-5 दिन हो गए हैं कुछ क्लियर आ नहीं रहा है, वो लाइनिंग जो थी वो डल थी, आधा घंटा ऐसे बैठे गए उसके सामने देखते हुए यार ये अभी मतलब थोड़ी डार्क हो गई, डार्क थोड़ा सा रहता ना कि डार्क होगी डार्क, बट हुई नहीं यार मतलब चलो ठीक है। फिर फाइनली वी वेंट टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने भी बोला कि लाइक तो ये तो भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए ना ब्लड टेस्ट करते हैं। उसमें भी ये बोला लाइक कि प्रेगनेंसी तो कंफर्म है बट बीटा एचसीजी लेवल जो है वो बहुत कम है,
तो वो डरा दिया उसने ना, मतलब डॉक्टर ने एकदम से की लाइक ये क्या हो गया भाई, ये क्या सीन है, मतलब समझ नहीं आया खुशी है या क्या, वो मिक्स्ड हो गया यार बिल्कुल की। फिर एक वीक बाद फिर से प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था भाई साहब, अपन सो रहे हैं ठीक है, और बंदी मेरे पास रोती हुई आई है सुबह सुबह, लिटरली सुबह सुबह मेरे पास रोती हुई आई है और कह रही है कि यार मतलब मेरे को ब्लड ड्रॉप्स हो रहे हैं। मैं क्या हो गया फिर, मेरी आंखें नहीं खुल रही है। मैंने ना पढ़ा भी बहुत था इसके बारे में कि स्पॉटिंग होती है, थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है, बट जब पढ़ा, जब खुद पे आते हैं ना पढ़ा हुआ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ लिटरली बता रहा हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं आता, सारे मुंह में आ गया था भाई सब कुछ, सारे घर वाले फिर से टेंशन में, तो वो भी परेशान। मैं नीचे गया, मतलब कोई बात नहीं यार तुम, मतलब कोई बात नहीं, हो जाता है, नॉर्मल है, अपन जाते हैं डॉक्टर के पास, दिखा लेते हैं, ऑफिस की छुट्टी वुट्टी की, अपन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने भी यही डॉक्टर ने मिसकैरेज किया, तो फिर हमारी वो ज्यादा फट गई भाई साहब, ये क्या हो रहा है। तो फिर उसने बोला कि लाइक ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए रीजन क्या, जब हम लोग डॉक्टर के पास गए फिर से ठीक है, तब तक के लिए प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे 3 महीने तक, तो लाइक इसीलिए हम लोग नहीं चाह रहे थे कि मतलब किसी को पता चले, फैमिली में भी मतलब बहुत कम लोगों को बताया, फ्रेंड्स जो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है सिर्फ उनको बताया था, इसीलिए अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा यू नो रिवील करना नहीं चाह रहे थे, बट अब ऐसा टाइम आ गया ना थोड़ा सा कि अब तो रिवील करना ही था, तो सब ओके चल रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, लाइक उसमें हार्ट बीट आई, वो तो जबरदस्त, उसकी तो वीडियो है भाई, उसकी तो वीडियो अपने पास, लाइक उस दिन लगा कि अब हाँ ठीक है, प्रिकॉशन तो चलो ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट डॉक्टर का भी यही रिएक्शन था, फाइनली हार्ट बीट आएगी, अब तो मैनेज हो जाएगा। उस जो वो वाला अल्ट्रासाउंड था ना हार्ट बीट वाला, वो जब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि मतलब इसने बोला होगा अंदर की मेरे हस्बैंड भी है बाहर, उनको बुलाओ आप, मैं मेरे को लगाया डॉक्टर मेरे को क्यों बुला भाई, मैं अंदर गया तो फिर मेरे को उसने सुनाया जो हार्ट बीट सुनाया उसने बच्चे का, अरे भाई साहब वो पिद्दू सा होता है, इतना सा पिद्दू सा होता है, और उसने भाई साहब जो हार्ट बीट, अरे मैं गया यार ये तो भाग रहा है अभी से, भाग रहा है तो भाई, इट्स अ गुड डे, इट्स इनफैक्ट इट्स वेरी वेरी गुड डे यार, पहली बार अच्छा, पहली बार हमने अपने बेबी की हार्ट बीट सुनी, मतलब भाई साहब लिटरली ऐसे कर मतलब उसने जो डॉक्टर ने जो सुनाया ना, तो ऐसे लग रहा है इतना तेज क्या भाग रहा है भाई, क्या हो गया तेरे को, ठीक है छोटे, फिर गोदू ने बाहर मेरे को बताया कि उसके हार्ट बीट ज्यादा होती है, चलो ठीक है, फिर शांति होगा, हाँ सब कुछ अच्छा डेवलप हो गया कम्प्लीटली, वैसे ना जो उसने दिखाया अल्ट्रासाउंड में भाई साहब अलग ही खुशी है, मतलब वो ना जो चीज थी वो अलग ही थी यार, चलो अब इसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, अब तब से फिर सब नॉर्मल चल रहा है, तभी थोड़ी सी डाउन रहती थी गोलू की, आप लोग को पता है बार बार हम लोग डॉक्टर ठीक है, फाइनली अब सब कुछ ठीक चल रहा है भगवान की दया से, तो बस इतना ही बता रहा था आप लोग को, एक बहुत बिगेस्ट न्यूज थी हमारे लिए, बहुत बिगेस्ट न्यूज आप लोग का भाई, ऐसे ही प्यार बना रहा और भगवान की दया रही तो सब कुछ आगे, अब सब कुछ नॉर्मल ही होने वाला है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड आई होप आप लोग को सब कुछ पसंद आया हो, और जिसको नहीं पसंद आया हो तो भाई हेट तो नहीं कर सकते आप इस चीज को ना, हेट तो नहीं कर सकते, तो गाइस इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ वेरी वेरी मतलब यार द बेस्ट न्यूज, तो आप लोगों से अब मिलते हैं और विदा लेते हैं, अगले व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।